नमस्ते भारत, आप सब लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्यूली काले उवाज को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा। हिंदुस्तान, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपके बीच में रख रही हूं, भटकी हुई युवती। एक ऐसी युवती जो 19 साल की उम्र में एक कुख्यात डॉन बन गई है, लेडी डॉन बन गई है और जुर्म की दुनिया में वो अपने पंख फैला रही है, लोगों की हत्याएं करवा रही है और वो भी हनी ट्रैप में उनको फंसा करके। सुनकर के बड़ा अजीब सा लगता है ना कि एक केवल 19 साल की लड़की, खूबसूरत सी बच्ची, युवा ऐसे कैसे कर सकती है। ये समय तो उसका पढ़ने लिखने का है, अपने और अपने माता पिता के सपने पूरे करने का है, अपना फ्यूचर बनाने का है। उसके हिसाब से ये उसका फ्यूचर ही है। मैं बात कर रही हूं कुख्यात लेडी डॉन अनु धनखड़ की। इसको लेडी डॉन के नाम से ही जुर्म की दुनिया में जाना जाता है हिंदुस्तान। इसने दिल्ली के अंदर जो रजौरी गार्डन नामक जगह है, वहां पर एक बर्गर किंग रेस्टोरेंट है, उसके अंदर एक लड़के को, एक युवा को हनी ट्रैप में फंसवा करके हत्या करवा दी थी। हनी ट्रैप में फंसवाकर उसको वहां पर बुलवाया और उसके बाद उसकी हत्या हो गई। और इसको बड़ा मजा ये सब करने में आता है। अब इसकी गिरफ्तारी फाइनली हो गई है क्योंकि 18 जून को उसने इस क्राइम को अंजाम दिया था और उसके बाद से मोहतरमा फरारी काट रही थी, गायब थी। और अब जाकर के अनु धनखड़ को दिल्ली की जो स्पेशल सेल है पुलिस की, उसने पकड़ा है, वो भी भारत और नेपाल के बॉर्डर से, लखीमपुर खीरी यूपी में जो भारत नेपाल का बॉर्डर है वहां से इनकी गिरफ्तारी की गई है। बात साफ है, नेपाल बॉर्डर पर थी, यानी भारत से भागने की तैयारी पर थी, भारत से भागने ही वाली थी। लेकिन जुर्म जो करोगे, गलत करोगे तो उसका तो फल भुगतना पड़ेगा। गिरफ्तार हो गई है, वांटेड थी, वांटेड की लिस्ट में थी, अरेस्ट हो गई है। और बताया जा रहा है कि ये जो अनु धनखड़ है, लेडी डॉन, वो एक बड़े ही कुख्यात गैंगस्टर के लिए काम करती है। उस गैंगस्टर का नाम है हिमांशु भाव, और हिमांशु भाव भारत में रह करके ऑपरेट नहीं करता है। ये जो अपना ये खतरनाक गैंग चलाता है उसको यूएस में बैठ करके चलाता है, खुद यूएस में बैठा है, लेकिन यहां पर उसने अपने ऐसे गैंगस्टर्स, ये ऐसे लेडी डॉन लोग पाल के रखे हुए हैं जो उसके इशारों पर उसके जो शिकार होते हैं, उसके जो टारगेट होते हैं, उनको मरवाते हैं। बताया ये भी जा रहा है कि ये जो लेडी डॉन अनु धनखड़ है, उसका अफेयर चल रहा है हिमांशु भाव से, उसकी गर्लफ्रेंड है वो, और गर्लफ्रेंड होने के नाते वो वही सब करती है जो हिमांशु उसको बोलता है। हिमांशु इसका इस्तेमाल कर रहा है, यानी जो भी उसके टारगेट हैं उन तमाम आदमियों को, युवाओं को वो हनी ट्रैप में इसके द्वारा फंसवाता है, प्यार के जाल में, और उसके बाद उनकी हत्या कर देता है। बर्गर के रेस्टोरों में, रजौरी गार्डन में ऐसे ही कुछ हुआ था और तब से इसको पुलिस ढूंढ रही थी। लेकिन देखिए, ऐसा है, जब आप गलत करते हो तो किसी ना किसी दिन आप गिरफ्तार भी होंगे, अति की इति अवश्य होती है, यह बात आप मान लीजिए। लेकिन मुझे दुख यह हो रहा है कि यह 19 साल की लड़की समझदार है, दिमाग भी है, तभी तो इतने सारी चीजें कर जा रही है, ये अपना भविष्य भी तो बना सकती थी ना। और मैं यहां पर जो पेरेंट्स हैं उनको एक मैसेज जरूर देना चाहती हूं, जितने भी टीनेजर्स या छोटे बच्चे हैं या युवा लड़कियां हैं, प्लीज उनके ऊपर अपनी नजर रखिए, उनको गाइड कीजिए, देखिए वो क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, उनकी संगत शोभत कैसी है, वो किससे बात कर रहे हैं, क्या चीजें उनके जीवन में चल रही हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एन आई ऑन देम, क्योंकि यदि उनको छोड़ दिया गया तो फिर ऐसे ही कुख्यात अपराधी बन जाते हैं जैसे अनु धनखड़ बनी है। और 19 साल की उम्र में वो गिरफ्तार हो गई, पूरी जिंदगी खराब हो गई। हिमांशु ने तो उसको अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसका इस्तेमाल किया, वो तो गैंगस्टर है, ये नहीं तो कोई और, कोई और नहीं तो कोई और। मुझे नहीं मालूम कि क्या डेप्थ इनके रिलेशनशिप की है, पर अभी जो दिखाई दे रहा है ऊपर से वो तो यही दिखाई दे रहा है, यूज एंड थ्रो। एंड ये लड़की उसके प्यार में पड़ी और शायद इसको जो क्राइम की दुनिया है वो इतनी पसंद आई कि इसको लगा यही फ्यूचर है और ये उसमें कूद गई। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद गिरफ्तार हो गई ना, गिरफ्तार हो करके अब पुलिस की गिरफ्त में है, जेल के अंदर बंद है, लाइफ पूरी गई। और उससे ज्यादा जो लाइफ गई, जो बदनामी हुई, जो दुख हुआ, वो परिवार के लिए,
पूरे का पूरा परिवार भी दुख झेलेगा ना। अब तो सारी जगह उसकी फोटो है, 18 जून से है, अब और भी है, सारे रिश्तेदार, परिवार, समाज सब जानता है कि अनु धनखड़ एक गैंगस्टर है, एक मर्डरर है, कुख्यात गैंगस्टर के लिए काम करती है। तो परिवार के लिए कितना असम्मान है, कितना दुख की बात है, कितनी बेइज्जती की बात है। और इसीलिए मैं बोल रही हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें। मुझे मालूम है कि बड़ी सारी समस्याएं निकल करके आती हैं कि टीनएजर्स रिबेल हो जाते हैं, अगर उनसे आप ज्यादा पूछताछ करो वो लोग अपने मां बाप से नाराज हो जाते हैं, घर छोड़ने की धमकी देते हैं। मुझे लगता है कि बचपन से आपको वो रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ डेवलप करनी बहुत आवश्यक है, उनसे पूछताछ और उनको चीजें समझाना उनके दोस्त बनकर के भी बहुत आवश्यक है। हर समय आप गुस्सा हो, नाराज हो, डांटे डपटे ये नहीं, ठंडा और गर्म दोनों तरीके का आचरण, पर उनको गलत राह में जाने से रोकना है। पेरेंट्स सब कुछ कर सकते हैं, मां बाप के पास वो शक्ति ताकत होती है। मैं इस विषय को ज्यादा लंबा नहीं खींच रही हूं, लेकिन मुझे बड़ा दुख लगा कि जस्ट अ 19 ईयर ओल्ड गर्ल बिकेम अ क्रिमिनल। तो मुझे लगा कि ये विषय भी माता पिता वाला मैं आप लोगों के बीच में रख दूं। तो इस वक्त इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित होंगी। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, संडे को बहुत अच्छे से मनाइएगा। आई एम श्योर सब लोग खूब जोर शोर से फुल स्विंग दिवाली की तैयारियां कर रहे हैं, धनतेरस आने वाला है, फिर दिवाली आने वाली है, कपड़े, मिठाई, शॉपिंग, सफाई सब कुछ चल रहा है। लेकिन उन सब के बीच में मेरी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज मेरे लाइव भी देखिए, रील्स देखिए, वीडियोस देखिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा चैनल ममता पेरियोली काले उवाज जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी हिट कीजिए, और जो ये तमाम चीजें हैं उनको लाइक की करके शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका ये समर्थन मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली को एक बार फिर से मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देती हूं कि आप लोगों के समर्थन से मुझे बहुत बल मिलता है, आपके आपके उत्साहवर्धन से, आपके प्यार और आशीर्वाद से मुझे बहुत बहुत बल मिलता है। सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, टेक केयर।